हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्ट्री नॉलेज। यूं तो हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुंडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। वैज्ञानिक भी बरमुंडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो बरमुंडा ट्रायंगल में घटी है। पहली घटना, मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र से लापता हो गया। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चल पाया। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया है, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। दूसरी घटना, सन 1492 में अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस एक बड़ी ही विचित्र घटना का जिक्र अपने डेली अकाउंट में करते हैं। उनके मुताबिक जहाज यात्रा के दौरान वह अजीबोगरीब लाइट आसमान में देखते हैं जो सीधे आकर महासागर में गिरती है। इस घटना के कारण कोलंबस का दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाता है। हालांकि जब यह घटना हुई थी उस दौरान कोलंबस बरमुंडा ट्रायंगल के निकट थे। कई लोगों का कहना है कि यह अजीबोगरीब लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन शिप था। इसी की वजह से उनका दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया था। उनके मुताबिक बरमुंडा ट्रायंगल एक रास्ता है जो एलियन के बेस तक जाता है। तीसरी घटना, साल 2009 में बरमुंडा ट्रायंगल के पास फ्लाइट में उड़ रहे कुछ लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब लाइटों को देखने का दावा किया। यह लाइट एक खास तरह के वर्टेक्स आकार की थी। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे यह किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता हो। चौथी घटना, अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर DW 309 क्रू सदस्यों के साथ US साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमुंडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहां खो गया कुछ पता नहीं चल पाया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डॉगलेस DC-3 बरमुंडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाजों के नाम हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। अफवाहें तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम देता है। ऐसे कई दावे अब तक बरमुंडा ट्रायंगल को लेकर किए जा चुके हैं जो ये संकेत करते हैं कि वहां पर एलियंस का बेस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।